ये देखिए क्या हालत कर लिया इसने। फरा ने इसको दिया है स्ट्रॉबेरी खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। आज अभी टाइम देखिए कितना हो रहा है, 12 बजे है, लेकिन ऐसे लग रहा है सुबह के 5-6 बजे, उतनी ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसीलिए हमने आज क्या किया, हमारा जो विंडो है ना वो ओपन ही नहीं किया है, सिर्फ ये दरवाज़ा है जो गैलरी का वो ही ओपन किया है ताकि ठंडी हवा ज़्यादा ना आए, क्योंकि ईजान खेलते रहता है घर पे। तो मैं अभी जस्ट उठा हूँ, तो देखते हैं फरा क्या कर रहे हैं, ईजान क्या कर रहे हैं, दोनों उनको मिला ही नहीं मैं अभी। हाँ ये देखिए हमारा बच्चा, ये देखिए फरा ने उसको कितना गर्म रखा है, पैर में सॉक्स पहनाया है, पैंट और ये स्वेटर और ये टोपी, ताकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये अच्छा किया फरा आपने उसको स्वेटर पहना के रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है और टाइल्स भी बहुत ठंडे हैं, इसीलिए कि मैं भी पैर में चप्पल ही पहन के घूम रहा हूँ। और ये क्या लिया ईजान ने हाथ में, ईजान का फेस देख के ऐसे लग रहा है वो भी अभी ही उठा है। क्या है ये, अभी उठा है ना? हाँ वही ना, नाश्ता हो गया ईजान का। अच्छा ये देखिए ईजान ने पूरा क्या क्या गिराया, ईजान ने किया ना पूरा वो। ओ कहाँ पे रखा आपने पैच का वो? ईजान के लिए हमें देखिए हर चीज है, बेडरूम में रखा आपने। ये देखिए इसको यहाँ पे रखना पड़ा है ईजान की वजह से, फिर भी देखिए उसने कैसे पूरा यहाँ पे गिराया, अरे पेरू भी गिराया उसने यहाँ पे, बहुत गिरा। आ जाओ इधर, चलो आ जाओ ईजान, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फरा ने कल चिकन चिली और तंदूर की रोटी बनाए थे, जो कि थोड़ी देर के रात में बच गई थी, अभी उसी को गर्म कर रहे हैं शायद नाश्ते में। और यहाँ पे वापस से आप पराठा बना रहे हो? नहीं नहीं आप रोटी बना रही हो? अच्छा मेरे को रोटी और चाय दे रहे हो क्या? चलो ठीक है, आ गया ईजान, आ गया, आ जाओ ईजान, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखिए फरा मुझे क्या लगा आपने, घी, कितना घी लगाते हैं रोटी में? कुछ भी है। पुना भी हमारा शिमला की तरह लग रहा है, उतनी ज्यादा ठंडी है। फरा आप भी फरा स्वेटर वगैरह पहनो, टोपी पहनो। फरा के लिए भी मैंने कल एक बड़ा सा टोपा लाया है पहनने के लिए, ताकि ठंडी बहुत है ना, अभी मैं पहना के फरा को दिखाऊंगा आपको। हाँ अरे फरा ठंडी है इसलिए लाया है मैंने आपका टोपा, पर आपके साइज का ना मिल नहीं रहा था, बहुत मैंने ढूंढा फिर जब तब जाके मेरे को मिला है। स्वेटर तो स्वेटर भी लाना पड़ेगा फरा के लिए अभी। ये देखिए गाइस ईजान कितने सीरियस होके वो सीरियल को देख रहा है, फरा ने सीरियल लगाया था पाकिस्तान का, तो उसको देखो कैसे देख रहा है, पूरी गर्दन उसने अपनी ऐसे टेढ़ी करके रखा है। और उसको ये भी पता नहीं कि पीछे से मैं उसका वीडियो ले रहा हूँ साइड से, वो इतना गुन है ना उसमें, देखे थोड़ा भी उसको ये नहीं, फिर बाद में मैंने उसको आवाज़ दिया तो वो देखा। कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा बेटू, पीछे बैठो, इधर देखो इधर देखो इधर, थोड़ा प्लास्टिक का ऑफ करो। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा घोड़े, दादी सुन ये सारे दे रहे, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, ला 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 देख रहा खुश सा, ला 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 चुटकुले, ए चुटकुले
ईजान बाबू, ए ईजान बाबू, हो गया हो गया। इधर देखो हो गया, रुक जा 2 मिनट। कितना अच्छा दिख रहा देख तू अभी। कितने बाल बढ़ गए थे वो, कितने बाल बढ़ गए थे मेरे बाबू के। हो गया, नौटंकी। देखो थोड़ा ही है, हो गया हो गया हो गया। अभी मैं बड़ा हो जाऊंगा बोलना, फिर मैं दुकान पे आऊंगा कट कराने। अभी मैं बड़ा हो जाऊंगा बोलो। ओ ये देखिए हमारा ईजान अभी कितना स्मार्ट लग रहा है। और शांत बैठाओ, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा रोया लेकिन उसके बाद से वो अच्छे से एंजॉय भी कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही ईजान के पूरे 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और 9th आज ही स्टार्ट हो गया है। तो हमने सोचा ईजान के थोड़े बाल कम करते हैं क्योंकि बाल बहुत ज्यादा हो गए, वो खुद के बाल ही ऐसे पकड़ के खींच रहा था। इधर देखो पानी गर्म करो जल्दी से, इसको नहलाएंगे ईजान। ये देखिए माशाल्लाह हमारा ईजान हो गया है अभी रेडी, और कितना क्यूट लग रहा है ईजान। ईजान इधर देखो हो गया। एक फोटो निकालो इधर बाहर से, मैं इधर खड़ा करता हूं। ये देखिए क्या हालत कर लिया इसने। फरा ने इसको दिया है स्ट्रॉबेरी खाने के लिए, पूरा मुंह उसने स्ट्रॉबेरी से भर दिया। ईजान इधर देखो ईजान आ जाओ। फरा आपने देखो ये खुला रखा, मैं पीछे से देखो दोनों भी खुला रखा है आपने। हाँ मैंने देखा नहीं, मैं यहाँ से आ गया और कितना लकीली है कि मैं ऐसे आके ऐसे बचा। यहाँ पर मैं इसको देखा फिर पीछे देखा तो ये भी खुला है। क्या बाप रे, आप ऐसे क्यों खुला रखे उसको? अरे आपका क्या बना रहे हो? मैं किसको? शाम के नाश्ते को मैं। और मेरा खाना रेडी है ना? शाम में कौन पोहे खाता है बताइए? बोल रहे इसके शाम का नाश्ता है, बोल रहे मेरा बन रहा है अभी। सुबह का तो इन्होंने किया नहीं है ना? सुबह का इन्होंने किया है चिकन चिल्ली और तंदूर की रोटी, और अभी शाम में ये नाश्ता कर रहे हैं पोहे। वाह ठीक है, मेरे लिए ना थोड़ी सी चाय बना देना कड़क वाली, हाँ, जिससे मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। अभी मैं आप लोगों को देख के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ईजान मुझे देख के स्माइल कर रहा है। शॉकिंग रिएक्शन है ईजान के,
कि क्या कर रहे हैं अब्बू, किससे बात कर रहे हैं करके, है ना, है ना। आज ईजान हमारा कितना क्यूट लग रहा है, क्योंकि हमारे ईजान ने आज न्यू हेयर स्टाइल किया है। ईजान इधर आ जाओ। ये देखिए, अभी जस्ट इसको फरहान ने स्ट्रॉबेरी दिया था फिर से खाने के लिए, पूरा शर्ट की देखिए उसने क्या हाल कर दिया है। खा रहा कम है, पूरा गिरा रहा ज्यादा है वो। और वो क्या कर रहा पता है क्या, इसको ना इसको मार रहा है लेके बार बार। क्या ईजान, क्या तरीका है तुम्हारा खाने का, वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हो सभी लोग। आज मैं बहुत लेट, एरोप्लेन का आवाज है वो, तो आज मैं बहुत लेट आई हूँ व्लॉग में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे सर्दी हुई है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। आज खाना बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी बना रही, तो आज मैं बना रही हूँ चिकन की तहारी, समीर को बहुत पसंद है, तो बस आप लोगों को तो पता है डेली समीर के पसंद की चीज़ें बनाती हूँ, तो वही बना रही हूँ। थोड़ी सी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना वो बच जाती है फिर कल खाने पड़ती है, वही दूसरा बनाने नहीं जमता मुझे, इसके लिए थोड़ी बनाऊँगी। तो अभी कर रही हूँ मैं ये तैयारी तहारी बनाने की। चिकन लेकर आए समीर ने, अभी चिकन को मैं बॉईल कर रही हूँ। बीजापुर में तो एक नंबर तारी मिलती है, वहाँ पे बीफ की तारी मिलती है, जो कि फरा को भी मैंने खिलाया था, फरा को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। हाँ, गोश्त तो नहीं खाई थी, लेकिन चावल। जब भी हम जाते हैं तो अब्बा लेकर आते ही है तारी हमारे लिए नाश्ते को, जो कि बहुत अच्छी रहती है और बहुत टेस्टी भी रहती है। बट फरा अभी चिकन की बना रहे हैं, क्योंकि फरा बीफ नहीं खाते, और बीफ हमारे एरिया में मिलता भी नहीं है। मेरी तारी बन गई है और अभी चावल डालने बाकी है, बस पानी को जोश आने तक मैं रुकी हूँ। ये कुकर में मैंने बनाई हूँ, और अगर ये अच्छी बनती है तो इसकी रेसिपी जरूर नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और कमेंट करके जरूर बताना किस किस को तारी की रेसिपी चाहिए, तो फिर मुझे और इंटरेस्ट आएगा आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो चलिए अभी मैं चावल इसमें डाल देती हूँ, मैं आप लोगों को एक झलक बताती हूँ। तो ये देखिए, ये तारी बन गई है, इसमें मैंने पानी डाला है, और ये देखिए का मसाला है, अभी ये पकेंगी। और थोड़ा सा मैंने ईजान के लिए रखी हुई है चिकन और इसका सूप, और ये चावल अभी मुझे डालने हैं, मैंने भिगो के रखी थी ताकि जल्दी से चावल हमारे बन जाए झटपट। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ ये, जल्दी से डाल देती हूँ चावल। जैसे कि समीर ने बोले कि बीजापुर में बहुत अच्छी तारी मिलती है, तो सच में बहुत अच्छी मिलती है, मुझे तो इतनी याद आ रही थी ना वो तारी की, तो उसी की खुशी में मैंने आज, उसी की याद में मैंने आज तारी बनाई है, तो बहुत दिन के बाद बनाई हूँ मैंने, बहुत दिन हो गए थे, आई थिंक हम पुराने घर पर रहते थे तब मैंने बनाई थी तारी, उसके बाद मैं आज बना रही हूँ। और जो मटन है, मटन यहाँ पे नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग को इतना यहाँ का कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे नहीं मिलता, इसके लिए हम लोग चिकन की बना रहे हैं। ऐसे भी मुझे चिकन ही पसंद है, मटन आई डोंट लाइक एट ऑल। ये हो गई है हमारी तारी रेडी, चलिए अभी इसको मिक्स करती हूँ। वाओ फरा, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। अभी तो आपने चिकन की बनाया, मैं एकदम आपको बीफ लाके दूंगा, क्या उसकी मटन? हाँ मटन, हाँ वही उसकी बनाना है मुझे, मस्त लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें का चिकन भी आप देखिए कितना मस्त गला है। चलिए अभी जल्दी जल्दी हम खा लेते हैं। ये देखिए, इसने मेरा बैठना चोरी किया है, मैं बैठती हूँ ना जब भी तो आ जा रहा है ये इधर। ईजान, ईजान किधर है? ये देखिए, बस 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 इसको चढ़ना है ऊपर और कुछ नहीं। चलिए फ्रेंड्स, खाना भी हो गया और तारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी, बताओ समीर? बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी, बस एक मिनट। सच में बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी फरा, मुझे तो बीजापुर की याद दिला दी आपने आज। बहुत अच्छी बनाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने आपके हाथ की तारी खाया ना? नहीं, पहले भी बनाई हो, लेकिन मुझे इतनी परफेक्ट नहीं आती थी। बहुत अच्छी बनी थी, और जब मैं अंदर गया था पता है ना सीटी बंद करने के लिए, तब तो मुझे बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही थी बहुत अच्छी।
तो देखिए फ्रेंड्स, तारी तो बहुत अच्छी बनी है, तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए उसकी रेसिपी लेकर आऊंगी। तो चलिए, अभी ईजान का भी सोने का वक्त हो गया है, उसको भी अभी दवाई पिला देंगे और उसको सुला देंगे और मैं अपना एंजॉय करूंगी बिग बॉस। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारा और एक चैनल है फराकी लाइफ स्टाइल, उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, मिलते एक नए ब्लॉग के साथ।